रिमझिम, रिमझिम। राकेश भैया, भैया आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं रिमझिम से बात करता हूँ। नहीं अविनाश, आज फैसला हो ही जाना चाहिए कि ऑफिस में वो लोग रहेंगे या हम लोग। क्या बात है राकेश, आप इतने नाराज क्यों हो? तुम लोग घर में करते क्या रहते हो? तुम्हें मुझे फोन करके बताना चाहिए था, क्यों जाने दिया उन लोगों को वहाँ? करोड़ों की डील निकल गई मेरे हाथ से माँ, और ये सब कुछ हुआ उन लोगों की वजह से। किन लोगों की वजह से राकेश? अरे वही लगता है ये लोग अपुन की तारीफ कर रहे हैं। अपनी तारीफ तो करेंगे ही, अब ये लोग तो ऐसे हैं नहीं कि कोई इनकी तारीफ करे। ए, ये क्या बदतमीजी हाँ? बात करने की तमीज नहीं तुम लोगों को? छोड़ो ना जयंती, पहले ये तो पता करिए कि हुआ क्या है। भैया आप इतने गुस्से में क्यों? कहा हुआ, कहा हुआ, कीने बवाल मचाया? रिमझिम, क्या हुआ? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है रिमझिम। आज मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया इन लोगों की वजह से। कितनी मुश्किल से मैंने अपने क्लाइंट्स को समझाया था बिजनेस करने के लिए, और इन्होंने ऑफिस में आके वो हंगामा किया कि वो लोग चले। इन्होंने हमें केबिन में लॉक कर दिया, हमारी टेलीफोन लाइंस कट कर दी, हमारे मोबाइल तक चुरा लिए इन लोगों ने। क्या तुमने जिम्मेदारी ली थी ना इनकी? अब पानी सर से ऊपर जा रहा है रिमझिम। समझा दो इन्हें कि इन्हें घर में रहना है तो घर में रहें, ऑफिस में दखलअंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये। राकेश भैया आप अंदर चलिए, रिमझिम को इन लोगों से बात करने दीजिए। अब चलिए। हमने आपसे कहा था ना हम मुन्ना को नौकरी लगा देंगे, थोड़ा सा सब्र नहीं हुआ आपसे, क्यों भेज दिया उसको ऑफिस? रिमझिम हम साची बात कह रहे हैं, हमें कचू नहीं पता। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इन्होंने आपको ये तो बता दिया कि हम उनके ऑफिस गए थे, लेकिन ये नहीं बताया ना कि कैसी बेइज्जती की है लोगों ने हमारी। हर एक जवाब के लिए हमें आपसे तो नहीं पूछना पड़ेगा ना? मारूंगी, मारूंगी तुझे। बस काट के ना मुंह झड़ दूंगी, कबों को दे दूंगी, शर्म नहीं आती देखो। काहे के हम समझा देंगे, तुम चलो। तुम्हें हमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मुन्ना। तुम यहाँ पर जो रह रहे हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी मदद करने की, लेकिन तुम अपना हक जबरदस्ती छीनना चाहते हो, और इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। नुकसान तुम्हारा होगा और तुम हमें दोष नहीं दे सकते। तुम बिजनेस करने चले, कोई समझ है बिजनेस की तुम्हें? बिजनेस के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए, बैठकर सीखना पड़ता है, लोगों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं, प्यार मोहब्बत से बातें करनी पड़ती। लेकिन तुम क्या समझोगे रिश्तों को?